वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी, जो रब दिंदा है उस विच सबर करना चाहिदा है। धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह, सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी, दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ते दसों गुरुआं दा वाहिगुरु शुकराना करना चाहिदा है कि परमात्मा दिन सोहना चढ़िया है, दिन वधिया लंघाई, रात वधिया लंघाई, साढ़े किते हुए पापां दा नाश करी। एक बार एक माता, एक बुजुर्ग माता दी कथा है, जिसनू कि कहिंदे ना वाहिगुरु देण नू मैनू मंगणे दा चज ना आवे, वाहिगुरु तां झोलियां भरदा ही भरदा वा, भी सानू मंगण दा वल नहीं आंदा, सानू मंगण दा चज नहीं आंदा। वो तो बड़ा दयाला, एक बार मंग के तो वेखो, पर मंगन का ढंग भी हुंदा एक खालसा जी। नियम के सच्चे मनो हंकार छड़ के वाहिगुरु को मंगना चाहिदा है कि वाहिगुरु जो भी तू दिता उस विच सानू संपूर्णता, शांति, सुकून मिले वाहिगुरु, क्योंकि परमात्मा का दिता ही खाना हुंदा है, परमात्मा के दिते हुए विच ही गुजारा करना पैंदा है। वह माता बहुत गरीब सी, उहदे पति की डैथ हो चुकी सी। वह माता ना अपने पुत्र नाल रहिंदी सी। एक बार ना वह दवान सुनन गई, दवान सुनते हुए बाबा जी की कथा सुनते रहे। माता नूं बहुत चंगी लगी कथा। चलो उत्थे जदों कथा सुनते सुनते वाहिगुरु का जाप करते करते माता, वह बड़े मन्ने परमन्ने साधु सी जिहड़े कथा कर रहे सन, उन्होंने मत्थे दी लकीरां पढ़ के पता लग जांदा सी कि इहदे नाल की होना है ते की नहीं। माता कथा होण तों खत्म बाद विच, कीर्तन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, माता रोंदी जी, मूँह दे विच दुख, निराशा, हंजू लैके अपने पुत्र नूं नाल लैके साधु को गई। कहिंदी, साधु जी साडी गरीबी कट्टी जावे, वाहिगुरू जी भी कुछ एहो जिहा करो कि साडी गरीबी कट्टी जावे। एक बार माता ने कहा, साधु ने जदों भी परमात्मा खुद रब्बी रूप में आया हुंदा वा, कई वेले हर कोई पखंडी नहीं हुंदा, जिन्हां दी परमात्मा नाल बिरती जुड़ी हुंदी है, सात संगत जी जदों सत्संग करदे ने तां उहनां दे चेहरे ते नूर दिखदा हुंदा है, उहनां दा चेहरा दसदा है कि वाकई इह परमात्मा दे दित्ते हुए भेजे हुए बंदे ने। वो माता कहिंदी वी सच्चे पातशाह जी, भी वाहिगुरू अगे अरदास करो कि असी साडी गरीबी कट्टी जावे। उस साधु जिहड़े बैठे सन कीर्तन करन वाले, उन्होंने वेख्या कि इस मुंडे दे कोल माता गरीबी कट्टन दी गल कर रही है। इस मुंडे को तो सिर्फ अद्धा घंटा, 30 मिनट ने जीण वास्ते, ते माता मंगदी पई है भी मेरी गरीबी कट्टी जावे, भी मैं अमीर हो जा। उन्होंने जो मत्थे दी लकीरां पढ़िया भी अद्धा घंटा रह गया इस बालक को, तो बड़े समझ न गया, ठीक है माता कोई गल नहीं। तो उन्होंने साधुओं रब जाने कि परमात्मा के बंदे जिहड़े हुंदे ने, परमात्मा की भगती करन वाले, परमात्मा ना पूरी तरह जुड़े हुए, रब अपने आप साधु का रूप धारण करके जो थले आया हो ना संगतां का उधार करन लई, कई वेले वह आपां वेला खंजा दिंदे आ, सानू समझ नहीं आता, असी बंदे बंदे च फर्क नहीं समझ सकते। कहिंदे ना साधु नहीं बोलते, साधु दी बंदगी बोली, साधु नहीं बोलते। तो वो परमात्मा रब्बी रूप जदों देखते नहीं कि बंदे दी उम्र बहुत घट रह गई है, भी अद्धा ही घंटा रह गया, 30 मिनट भी समाप्त हो गया दवान हुण। चलो वो माता जाण लगी, तो जदों वो सड़क क्रॉस करन लगे ना, माता फिर आई, तो माता ने कहा कि बाबा जी मैं थोड़े अगे अरदास बेनती करती हाँ भी साड़ी भी गरीबी दूर कर दो बाबा जी। जो उन्होंने 2-3 बार कहा ना, तो बाबा जी ने टोकरी के 50 रुपये चुक के ना वो माता नूं दित्ते। कहिंदे माता आले आ आशीर्वाद आ। माता ने पैसे वापस किए। साधु ने फिर कहा, माता लै ला तेरे लिए रब का आशीर्वाद आ। माता ने फिर वापस कर दिते। माता का मुंडा ते माता, माता अपने मुंडे नूं बुला के लियाई। कहिंदी बाबा जी मेरे पुत की गरीबी कट्टी जावे, इस दे उत्ते कृपा करो। साधु ने फिर वो 50 रुपये पुत्र नूं दिते, पुत्र ने लै आंदे। जदों माता थोड़ी अगां चल गई, पुत्र पिछे रह गया,
माता ने पूछया भी हाँ जी तू बियो तो दोबारा साधु को गया से उन्होंने की किया भी मैं बाबे जी अगे अरदास करके आई हाँ भी साड़ी गरीबी कट्टे जावे साढ़े माड़े दिन कट्टे जाण ते तू दस भी तेनू की किया उन्होंने। वह कहिंदा मां मैनू साधु ने ना भी जाने कि जिहड़े वो बाबा जी बैठे ने उन्होंने मैनू 50 रुपये दिते ने ते मैं लै आया। माता बड़ी गुस्से च कि 50 रुपये ना गरीबी कट्टी जाती है भी इन्हां 50 रुपया ना की होएगा इन्हां ना तो कोई गरीबी नहीं कट्टी जानी। माता गई फिर उठी साधु को कहिंदी बाबा जी सानू इसकी कोई लोड़ नहीं है मैनू तो लोड़ है कि वाहिगुरु मैनू मेरी गरीबी कट्टे मेरे दुखा नू दूर करे मेरी गरीबी कट्टी जाए असी भी अमीर होइए असी भी पैसे धेलिया में खेडिए। उन्होंने जो तीजी बार बच्चे के हथों पैसे खोह के फिर साधु नू वापस दे दिते ना तो परमात्मा खुद भी ना असमझन च पै गए भी हुण मैं की करा मैं तो 50 रुपये इनू 50 साल दे दे पुत्र की उम्र दिती सी एक बार नहीं दूजी बार भी नहीं 3 बार मैं दिती। ये माता ने फिर भोलेपन च एवें ना कुछ समझते सोचदियां होया मैनू वापस कर गई है हुण की हो सकता है। माता पैसे वापस करके गई वह पुत ते माँ दोनों स्कूटर ते आए सी जदों वह स्कूटरी दा पार करन लगे ना सड़क इन्ने चिर नूं एक ट्रक बहुत तेजी नाल उधर वधिया ते माता पिछे रह गई ते पुत्र जदों सड़क क्रॉस करन लगा ना उहदे उत्तों ट्राला लंघ गया ट्रक पुत्र दे उत्तों लंघ गया। माता ने चीख चिहाड़ा पाना शुरू करता माता रोन पिटन लग पी बहुत ज़्यादा रोंदी विलाप करती एक एक पुत सी पहला पति मर गया गरीबी के दिनों नाल पाल लिया बहुत दुखा ना पाल लिया भी परमात्मा ये की हो गया है बड़ा रोंदी विकलांदी उतों की चलो पुत्र पूरा हो गया जदे ही आँदी फिर पंडाल दे विच साधु जी उत्थे ही बंदगी करते होंगे ने कहिंदे कि परमात्मा मैं तो तुहाडे एक चरण अगे अरदास कीती सी। माता बड़ी दुखी हुई आके साधु दे पैर फड़ ली रोण लग पी कि साधु जी मेरा तो पुत्र ही चलिया गया मैं तो गरीबी दूर करवानी सी साड़ी गरीबी तो की दूर हुई इत्थे तो मेरा पुत्र ही टुर गया है। माता रोंदे हुए वाहेगुरु जी इदा तो मैं कुछ मंगया ही नहीं सी कि मेरा पुत्र भी ना रहा। वो कहिंदे माता असी तेनू एक बार दूजी बार तीजी बार असी तेनू 50 रुपये नहीं सी दिते तेरे पुत्र की उम्र दिती सी ते तू वार वार सानू वापस कीती असी तेरी झोली 50 साल पाए सी तेरे पुत्र दे पर फिर तुसी बार बार उन्हू वापस किया बार बार तू समझ नहीं सकी वो पैसे नहीं सी वह उम्र सी तेरे पुत्र दी जो तू हुण वह मौका अपने हथों गवा लिया है। माता बहुत निराश भी हुण की होएगा पुत्र भी चल वसिया कुछ नहीं समझ आ रहा चलो माता बहुत उदास सी। वाहिगुरु कई बार बंदे नूं मौका दिंदा है कई बार बंदियां को सांभिया नहीं जांदा इस करके वाहिगुरु दा शुकराना करना चाहिए जो भी परमात्मा स्वरूप रब्बी रूप तुहानू कुछ भी मिलता है उसका शुकराना करिया करो कि वाहिगुरु तू दिता है सानू कबूल है असी ये विरुद्ध नहीं जा सकते ना ही इस दे विरुद्ध जाके कुछ कर सकते हाँ वाहिगुरु तेरा शुक्र है सानू इन्नी क उम्र बख्श कि असी अपने बच्चों के विच रह सकीए अपने परिवार विच रह सकीए तू दिन रात उसनू आवाज़ मार तो सही जे वाहिगुरु ना सुने तो फिर कहीं वो जरूर सुनता है उहदे भगत दुखी हो के दिलों एक बार अरदास करन तां सही। ते इस तरह उस माता ने अपने दिते हुए परमात्मा दे वल्लों 50 साल गवाए इस तरह आपां करदे हाँ ते इदां ही हुंदा है कि चंगे कर्म करो चंगा फल मिलेगा। जे हुण किक्कर या निम उगाई है उत्थों अंब कित्थों मिल जाणगे वाहिगुरु दा शुकराना करिया करो वाहिगुरु दा नाम जपिया करो परमात्मा का शुकराना करते हुए अरदास करद हुए क्या करो वाहिगुरु तेरा शुक्र है तू जो दे रहा है वह भी तू जो ना दवे वह भी शुक्रिया परमात्मा सानू धरती से भेजन वास्ते तेरा वाहिगुरु बहुत शुकराना।
कथा ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।